चीन में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। इस वेरिएंट के कारण हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। चीन में कोरोना के महाविस्फोट के बीच यह वेरिएंट भारत में भी पहुंच चुका है। गुजरात में 2 और उड़ीसा में 1 मरीज में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य कोरोना से संक्रमित मरीजों की ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग कराए, जिससे वेरिएंट का पता चल सके। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। एयरपोर्ट्स पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश दिए गए हैं। जब वेरिएंट म्यूटेट होते हैं तो वे अपने वेरिएंट और सब वेरिएंट बनाते हैं, जैसे SARS-CoV-2 वायरस का मुख्य तना है और उसकी अलग अलग वेरिएंट और सब वेरिएंट के तौर पर शाखाएं निकलती हैं। BF7 भी BA.5.2.1.7 के बराबर है, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। इस महीने की शुरुआत में सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि BF7 सब वेरिएंट में ओरिजिनल D614G वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। इसका अर्थ यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी 2020 में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की तुलना में BF7 को नष्ट करने में बहुत कम सक्षम है। इस वेरिएंट के लक्षण ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट के समान है। इससे संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, उल्टी और दस्त के लक्षण दिख सकते हैं। यह सब वेरिएंट कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। BF7 सब वेरिएंट अपनी क्लास में अब तक ज्ञात अन्य सभी की तुलना में सबसे अधिक संक्रामक है। माना जाता है कि यह वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है और उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि BF7 सब वेरिएंट का प्रोडक्शन नंबर यानी R10 से 18.6 है। इसका मतलब यह है BF7 से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18.6 लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है।